गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा टेंथ जीव विज्ञान। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है मादा जनन तंत्र। तो हम सबसे पहले यहाँ सीखेंगे कि मादा जनन तंत्र को किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मादा जनन तंत्र का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। सबसे पहले देखिए कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से इसके बाद हम इसमें एक लाइन ऊपर से क्या करेंगे, इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद साइड से भी हम लाइन को क्या करते चले जाएंगे, ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब एक लाइन हम यहां पर क्या करेंगे, अंदर से भी उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। एक लाइन इस वाले हिस्से से भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, गर्भाशय। क्या बना हमारा, गर्भाशय। गर्भाशय के बाद देखिए अब यहां से हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, जिससे इसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका। और यहीं पर क्या होगा, अंडाशय। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी संरचना को ड्रॉ करेंगे। नहीं जिस प्रकार से हमने यहां इस तरफ अंडाशय को बनाया था, उस सेम दूसरी तरफ भी हम बनाएंगे इसके यहां पर। अब देखिए इसके बाद यहां से हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, जिसे योनि कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, योनि। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या होता है कि स्त्रियों में एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, जो उदर गुहा में भूरे रंग की क्या होती है, रचनाएं होती हैं। जो ये अंडाशय है, ये इसे हम देखो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कौन सा है, ये लेफ्ट है और ये कौन सा है, राइट। तो राइट ओवेरी और लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट ओवेरी और ये कौन सा हो जाएगा, राइट ओवेरी। तो इसे क्या कहेंगे हम, अंडाशय। अब देखिए इसी अंडाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन एस्ट्रोजन है, यह महिलाओं में क्या कहते हैं, उनके योनि के विकास में साथ उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को हम अगली वीडियो में देखेंगे, जैसे आवाज का पतला होना, मासिक धर्म का प्रारंभ होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्त्रियों में होते हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखिए ये अंडाशय, जैसे मैंने बताया कि आपको ये उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय और भूरे रंग की रचनाएं होती हैं। अंडे जनन की क्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक माह क्या होता है, यहाँ पर अंडे अंडाणु बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवा। अब ये अंडाणु जब यहां से निकलेगा, अंडाशय से अंडे का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब जब यहां से अंड निकलेगा तो आगे देखिए कीट नुमा एक संरचना होती है, जिसे मुखिया कहते हैं। जो मुख है वह क्या करता है, अम्ल नुमा, यहां पर देखिए इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो क्या करता है, जब अंडाशय से अंड निकलेगा तो उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यह कीट नुमा
जो समस्या होती है आगे बढ़ करके ये फेलोपियन नलिका में आके खुलती है। किस में आके खुलती है? फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी। और इसी अंडवाहिनी में अंड का निषेचन होता है। अंड का निषेचन कहां होता है? फेलोपियन नलिका में होता है या डिंबवाहिनी में होता है। ये आगे बढ़कर के संयुक्त होकर के फेलोपियन नलिका आगे बढ़ेगी और संयुक्त होकर के गर्भाशय का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? गर्भाशय। अब जब अंडाशय का अंड का क्या जाएगा, जब निषेचन हो जाएगा तो वो निषेचित अंड वहां से इसी गर्भाशय में आकर के क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। गर्भाशय की भित्री स्तर को क्या होता है? एंडोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। अब जब इसमें युग्मनज या निषेचित अंड जब स्थापित हो जाएगा, स्थापित होने के पश्चात क्या होगा कि वह एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित होगा? भ्रूण में। अब उस भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं वह गर्भाशय भित्ति से आवल नाल के द्वारा जुड़ जाती है। किसके द्वारा जुड़ जाती है? ये आवल नाल। आवल नाल को प्लेसेंटा कहते हैं। इसको प्लेसेंटा या जरायु क्या कहते हैं? इसको जरायु। तो इसी आवल नाल के द्वारा वह गर्भाशय की भित्ति से क्या जाएगा? जुड़ जाएगा। और बच्चे को यानी जो भ्रूण है उस भ्रूण को भोजन आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? प्राप्त होते रहते हैं। अब यहां से एक नंबर का जैसे क्वेश्चन आएगा, गर्भस्थ भ्रूण में पोषण, बच्चे को पोषण कैसे प्राप्त होता है? अब देखिए उसके बाद ये गर्भाशय का जो अंतिम भाग होता है वह योनि में आके के खुलता है। योनि जो होती है वह एक नलिकाकार संरचना होती है, पेशीय मांसल संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। इसी योनि से जो नर होता है वह अपने शिश्न को प्रवेश कराता है मैथुन क्रिया के फलस्वरूप। तो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु जो नर युग्मक होते हैं इसी योनि से प्रविष्ट करा करके वह विसर्जित कर देता है। अब जब स्पर्म यहां से होते हुए फेलोपियन नलिका में पहुंचते हैं तो वह अंड का क्या कर देते हैं? निषेचन कर देते हैं। जब अंड का निषेचन हो जाएगा तो अंड के निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा? युग्मनज जो इस गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा और यह बार बार विभाजित होने के फलस्वरूप भ्रूण और भ्रूण से क्या हो जाएगा? शिशु के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब इस के बाद देखिए यहां पर दो सहायक ग्रंथियां होती हैं, उन सहायक ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि। अब जो ये बार्थोलिन ग्रंथि होती है यह महिलाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है, जिससे एक तरल पदार्थ स्त्रावित होता है। यह तरल पदार्थ जो होता है एक तो योनि मार्ग को क्या बनाता है? चिकना बनाता है, साथ में उसमें आए हुए जीवाणु से योनि की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये काम किसका है? बार्थोलिन ग्रंथि का है। इसके बाद एक और ग्रंथि यहाँ पर होती है, पुरुष में भी होती है, इसे बोलते हैं पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि, ये पेरिनियल ग्रंथि जो होती है वह गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बाहर बीच में लगभग बीच में क्या होती है? स्थित होती है और यहाँ से भी द्रव स्थापित विसर्जित होता है और जो क्या करता है? हमें गंध का ज्ञान कराता है। अब बात एक और चीज यहाँ पर है जो छूट रही है, वह है जो ये जो मूत्र जनन छिद्र होता है, इस मूत्र जनन छिद्र के ठीक ऊपर एक मांसल उभार जैसी संरचना होती है जिसे मादाओं में शिश्न का अवशेष समझा जाता है, उसे बोलते हैं भगसेफ। क्या कहते हैं? भगसेफ या क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है और धन्यवाद।